सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। राजकुमार राव की आने वाली फिल्म उमेटा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में राजकुमार राव ने आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख का किरदार निभाया है। फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है। फिल्म के ट्रेलर के दौरान राजकुमार राव हिंदुस्तान से बदला लेने की बात कर रहे हैं और इस दौरान वो खुद को ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं। राव कहते हैं, मैं अपने शहीद भाइयों की कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाने दूंगा। हिंदुस्तान को एक एक खून के कतरे का हिसाब चुकाना होगा। इस फिल्म की टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और जियो मामी फिल्म फेस्टिवल में खूब वाहवाही की गई थी। कुछ ही दिन पहले फिल्म का एक पोस्टर भी जारी किया गया था। राजकुमार राव ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए फिल्म के एक पोस्टर के साथ फिल्म से अपना एक लुक भी शेयर किया था। फिल्म में उनके अपोजिट कंगना रनावत अपने अभिनय का जादू बिखेरती नजर आएंगी। इससे पहले भी हंसल मेहता और राजकुमार राव की जोड़ी साथ काम कर चुकी है। दोनों की साथ में ये चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों फिल्म सिटी लाइट, शाहिद और अलीगढ़ में काम कर चुके हैं। उमेटा 20 अप्रैल 2018 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। रियन, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।